डोंगी नेड़े टीडीआई दी खाली थां ते शाम हुंदिया ही इकट्ठी हो जांदी है भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग दीआं रज के उड़ाईआं जांदीआं हन तज्जियां। कोरोना महामारी दे चलदिआं जिथे पंजाब सरकार वल्लों सूबे विच करफ्यू लगाया गया है अते लोकां दे घरां तों बाहर निकलण ते वी पाबंदी है, उत्थे बलोंगी पिंड दे नाल पैंदे टीडीआई सिटी दे खाली मैदान विच रोजाना शाम नूं घुम्मण वालिआं दी भीड़ इकट्ठी हो जांदी है, जिस वालों सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों दीआं खुल के तज्जियां उड़ाईआं जांदीआं हन। इस मैदान विच शाम 4-5 बजे तो बाद वड्डी गिणती विच लोकां दा इकट्ठ हुंदा है अते इह लोक बिना किसी डर तो इस मैदान विच घूमदे आम देखे जा सकते हैं। इस तरीके नाल इस खाली थां पार्क विच घूमण वाले लोकां विच मर्द, औरतां, नौजवान मुंडे, कुड़ियां अते छोटे बच्चे भी शामिल हुंदे हन, जो कि ग्रुपां विच इकट्ठे हो के इस पार्क विच सैर करन लई आउंदे हन। इत्थे घूमण लई आउण वाले इह लोक जो बलोंगी पिंड अते इस दे नाल बणीआं कलोनियां विच रहिंदे हन अपने नाल छोटे बच्चे भी लै के आउंदे हन अते 2-3 घंटे इत्थे ही समां गुजारदे हन। इस दौरान इन्हां वल्लों ना तां किसी तरह दे मास्क दी वरतों कीती जांदी है अते ना ही इह समाजिक दूरी दे किसी नियम दी पालना करदे दिखदे हन। इस तों इलावा इत्थे शाम समय बच्चे क्रिकेट खेडदे होए भी देखे जा सकदे हन। इस खाली थां दे नाल लगदे खेतर विच रहिंदे लोकां दा कहना है कि जिस समय इत्थे पुलिस आउंदी है तां दूरों ही उन्हां दी गड्डी ते लगियां लाइटां दी रोशनी देख के इह लोक उत्थों खिसक जांदे हन अते पुलिस कर्मचारियां दे जाण तों बाद उत्थे फिर तों लोकां दी भीड़ इकट्ठी होणी शुरू हो जांदी है। इन्हां वसनीकां दा कहना है कि इस तरीके नाल इत्थे इकट्ठी होण वाली इस भीड़ कारण महामारी फैलण दा खतरा बहुत ज़्यादा है। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ 10 ਵਿੱਚ ਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਕਾਈ ਹੱਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਪਵਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।